Hello students, today we are going to start our fourth chapter, three questions. Beta ji, very very important और बहुत ही interesting chapter है. इसमें starting में राजा तीन questions जो है वो जानना चाहता है उसके answers questions के, और last में उसको उस तीन questions के answer मिलते हैं. तो ये आपको लेसन तभी समझ आएगा अगर इसकी वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे. तो नाउ वी स्टार्ट आवर चैप्टर थ्री क्वेश्चंस. ही थॉट केम टू द माइंड ऑफ ए सर्टेन किंग. ही थॉट ही वुड नेवर फेल इन एनीथिंग इफ ही न्यू थ्री थिंग्स. एक बार एक खास राजा, उसके दिमाग में एक सोच आती है, एक विचार आता है. वो सोचता है कि अगर इंसान को तीन चीजें पहले ही जिंदगी में पता हो तो वो कभी फेल नहीं हो सकता. वो तीन चीजें कौन सी हैं? फर्स्टली द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, सही समय जब वो कोई काम करे. द राइट पीपल टू लिसन टू, और सही लोग जो उसको जिसको वो सुने. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू, और सबसे महत्वपूर्ण काम जो उसने करना है वो कौन सा है. ये तीनों चीजें अगर उसको पता है तो इंसान को कभी भी फेल नहीं हो सकता. द किंग सेंट मैसेंजर्स थ्रू आउट हिज किंगडम. ही प्रोमिस्ड ए लार्ज सम ऑफ मनी टू एनीवन हु वुड आंसर्स दीज क्वेश्चंस. मेनी वाइज मैन केम टू द किंग विद देयर आंसर्स, बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट. अब राजा ने अपने राज्य में सारी जगह पर अपने जो दूत थे, जो संदेशा लेके जाते हैं, वो भेज दिए. उसने प्रॉमिस किया कि जो भी मेरे इस तीनों क्वेश्चंस का आंसर दे देगा, मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा. बहुत सारे मैनी वाइज मैन केम टू द किंग विद देयर आंसर्स. बहुत बुद्धिमान लोग अपने अपने उत्तर लेकर राजा के पास आए. बट देयर आंसर्स वर ऑल डिफरेंट, लेकिन उनके जो जवाब थे सभी के अलग अलग थे. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में आंसर था कि सम सेड, क्रियों ने कहा कि द किंग मस्ट प्रिपेयर ए टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली, कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उसको अच्छी तरह से उसका अनुसरण करना चाहिए. अदर सेड इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर एवरीथिंग. और दूसरों ने कहा कि पहले ही कहना कि ये सही समय है, ये बहुत ही मुश्किल है. Therefore, the king should notice everything and do whatever seems necessary at the particular time. और इसलिए राजा को ये देखना चाहिए कि whatever seems necessary, जो भी जरूरी काम है, एक सही समय पर वो उसको करना चाहिए और उसको ये सारी चीजें ध्यान में रखनी चाहिए. Yet other said, और कईयों ने कहा, the king should have a council of wise men to tell him the right time for every action. कि उसको बुद्धिमान लोगों की एक उसके पास सभा होनी चाहिए जो उसको कि हर काम जो सही समय पर करे वो बताएं. सम अदर सेड द किंग मस्ट हैव मैजिशियन, कुछ लोग कहते हैं कि राजा के पास जादूगर होने चाहिए. ओनली मैजिशियन कुड लुक इनटू द फ्यूचर एंड टेल द राइट टाइम फॉर एन एक्शन, केवल जादूगर ही उसको भविष्य में जाके बता सकता है कि सही काम करने का सही समय कौन सा है. Equally different were the answers to the second question. ऐसे ही second question के answer भी अलग अलग थे. Some said, कईयों ने कहा, the right people for a king to listen to were the advisor. कुछ ने कहा कि राजा को कि अपने सलाहकार अपने रखने चाहिए. Others and said the soldiers were most important for him and so on. और कईयों ने कहा कि सैनिक सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए. द थर्ड क्वेश्चन सेड, और थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने कहा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग वॉज साइंस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है साइंस, विज्ञान. अदर सेड इट वॉज वॉरफेयर, और कईयों ने कहा युद्ध कला. एंड अदर सेड इट वॉज रिलीजियस वर्शिप, और कईयों ने कहा कि धार्मिक पूजा पाठ ही इम्पॉर्टेंट है.
ऑल द आंसर्स वर सो डिफरेंट दैट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड। सारे क्वेश्चन के आंसर जो थे वो बिल्कुल ही अलग अलग थे और राजा इससे संतुष्ट नहीं हुआ। ही गेव नो वन एनी रिवार्ड, उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। नाउ ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ ए सर्टन हर्मेंट हु वॉज नोन फॉर हिज विजडम। अब उसने निश्चय किया कि वो एक साधु जो है वो अपने बुद्धिमता के लिए जाना जाता है, उसके उसको ढूंढने का उसने प्रयास किया। द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड विच हैड नेवर लेफ्ट, वो एक जंगल में साधु रहता था जो उसको वो वहां छोड़ के कभी नहीं कहीं गया था। ही मेट नन, वो किसी से नहीं मिलता था, बट कॉमन पीपल, लेकिन साधारण लोगों से भी मिलता था। सो द किंग पुट ऑन ए वेरी सिंपल क्लोथ, उसने राजा ने बहुत ही साधारण से कपड़े पहने। बिफोर रीचिंग द हर्मिट हट ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स, ही लेफ्ट द हॉर्स विद द हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और अब हर्मिट की यानी साधु की कुटिया में पहुंचने से पहले उसने अपने घोड़े से वो उतरा और उस घोड़े को उसने अपने जो अंगरक्षक उसके साथ थे उसके पास छोड़ दिया और वहां पर अकेला चला गया। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही वो उस साधु की कुटिया के पास राजा गया, ही सा द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट, उसने क्या देखा कि वो अपनी झोंपड़ी के सामने एक जमीन को खोद रहा है। द हर्मिट ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यू डिगिंग, हर्मिट ने राजा को देखा और लगातार वो अपनी जमीन को खोदता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक, वो बहुत बूढ़ा था और कमजोर था। एज ही वर्क ही ब्रेथ हैवली, जैसे वो काम कर रहा था तो वो बहुत मतलब कि सांस जोर जोर से ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, जैसे ही राजा हर्मिट के पास गया और कहा, ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान साधु, आई हैव कम टू नो फ्रॉम यू द आंसर्स टू थ्री क्वेश्चन, मैं अब तुम्हारे पास अपने तीन क्वेश्चन के आंसर्स लेने के लिए आया हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं सही समय पर सही काम कैसे कर सकता हूँ। हु आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल फॉर मी, और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लोग कौन हैं। एंड वट अफेयर नीड माई फर्स्ट अटेंशन, और सबसे पहली अटेंशन मेरा ध्यान मेरा किसके किस काम पर होना चाहिए। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट सेड नथिंग, और हर्मिट ने जो साधु ने राजा की को सुना लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। ही वेंट ऑन डिगिंग एंड यू आर टायर्ड सेड द किंग, लेट मी हैव द स्पीड एंड डिग फॉर यू। अब वो ही वेंट ऑन डिगिंग, वो लगातार खोदता रहा और वो राजा ने कहा कि तुम तो थक गए हो और ये मुझे कुल्हाड़ा दे दो तो मैं आपको अब यू आर टायर्ड सेड द किंग, राजा ने कहा कि तुम थक गए हो, ये कुल्हाड़ा लेट मी हैव द स्पेड डिग फॉर यू, मुझे कुल्हाड़ा दो मैं आपके लिए ये खोदता हूँ। थैंक्स सेड द हर्मिट, ने कहा धन्यवाद। ही गेव हिज स्पेड टू द किंग, उसने अपना जो कुल्हाड़ा था वो राजा को दे दिया। एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, और जमीन पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग टू बेड्स स्टॉप एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, अभी थोड़ा ही उसने दो क्यारियां ही उसने खोदी थी कि जल से उसने फिर से अपने अपने जो क्वेश्चन है रिपीट किए। स्टिल द हर्मिट गेव नो आंसर, फिर भी उस वक्त भी हर्मिट ने उस जन साधु ने उसका कोई जवाब नहीं दिया। ही स्टूड अप स्ट्रेच्ड आउट हिज हैंड फॉर ए स्पेड एंड सेड टू द किंग यू कैन रेस्ट फॉर ए व्हाइल एंड लेट मी वर्क, उसने वो खड़ा हो गया और उसने अपना कुल्हाड़ा मांगा राजा से और कहा कि मुझे दे दो ये कुल्हाड़ा, तुम रेस्ट कर लो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव द हिम स्पेड, उसने उसको कुल्हाड़ा नहीं दिया। ही कंटिन्यू डिगिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, और लगातार वो काफी समय तक वो जमीन को खोदता रहा। द सन हैड गॉन डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब जो सूरज था वो वृक्षों के पीछे छिप गया था। एट द किंग स्टक द स्पेड इन टू द ग्राउंड एंड सेड, ओ वाइज हर्मिट, आई केम टू यू टू नो द आंसर्स टू माई क्वेश्चन, इफ यू हैव नो टू गिव प्लीज टेल मी सो आई विल गो बैक, इट इज गेटिंग लेट। उसने कहा कि मैं तो आपके पास अपने क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए आया था, अगर आपके पास वो मेरे पास क्वेश्चंस के आंसर नहीं है तो मुझे बताओ, मैं वापस घर चला जाऊंगा क्योंकि काफी देर हो गई है। हियर कम समवन रनिंग सेड द हर्मिट, साधु ने कहा कि कोई यहाँ आ रहा है।
द किंग टर्न्ड राउंड एंड सॉ अ बियर्ड मैन रनिंग टुवर्ड्स देम। राजा ने मुड़कर देखा कि एक दाढ़ी वाला भागकर इंसान उसकी तरफ आ रहा है। हिज हैंड्स वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक फ्रॉम विच ब्लीडिंग वॉज फ्लोइंग। उसके जो हाथ थे वो उसने अपने पेट के ऊपर दबा के रखे हुए थे और उसमें से खून बह रहा था। व्हेन ही रीच द किंग, जब वो राजा के पास पहुंचा, ही फेंट एंड फेल टू द ग्राउंड, वो मूर्छित हो गया और जमीन पर गिर गया। द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड ए लार्ज वाउंड इन स्टमक। और राजा और साधु ने उसके कपड़े एकदम से उतारे और क्या देखा कि उसके पेट के ऊपर बहुत बड़ा घाव था। The king washed and covered the wound with his handkerchief, but the blood would not stop flowing. और राजा ने उसके जख्मों को धोया और उसको अपने रुमाल के साथ उसको कवर कर दिया, लेकिन जो उसका खून था अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। द किंग ड्रेस्ड द वुंड अगेन एंड अगेन, एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप। उसने दोबारा दोबारा बार बार उसको ड्रेसअप किया और अंत में उसकी जो ब्लीडिंग थी, खून बहना रुक गया। द मैन फेल्ट बेटर, अब आदमी अच्छा महसूस करने लगा। एंड आस्क फॉर समथिंग टू ड्रिंक, और उसने कुछ पीने के लिए कहा। द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम, राजा उसके लिए पानी, ताजा पानी लेकर आया और उसको दिया। बाय दिस टाइम, उसी समय द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल, सूरज छुप गया और ठंडी हवा चलने लगी। द किंग एंड द हर्मिट कैरिड द वाउंडेड मैन इन टू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड। राजा और साधु ने उस घायल इंसान को झोपड़ी में ले आए और उसको बेड के ऊपर जाकर लेटा दिया। द मैन क्लोज्ड हिज आइज एंड ले क्वाइट, आदमी ने अपनी आंखें बंद कर ली और चुपचाप लेट गया। द किंग वॉज फीलिंग टायर्ड बाय द डेज डिगिंग, अब जो राजा था सारा दिन उसने जमीन खोदी थी, उससे वो थकान महसूस कर रहा था। ही लेट डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट ऑल नाइट, और वो जमीन पर ही लेट गया और सारी रात वहीं पर सोया रहा। व्हेन ही वोक, जब वो जागा, ही सॉ द बियर्ड मैन लुकिंग एट हिम, उसने क्या देखा कि जो दाढ़ी वाला इंसान है वो उसकी तरफ देख रहा था। फॉरगिव मी, सेड द बियर्ड मैन इन ए वीक वॉइस, उसने बहुत ही कमजोर सी आवाज में कहा कि मुझे क्षमा कर दो। आई डू नॉट नो यू, मैंने तुम्हें नहीं जानता। देर इज नथिंग फॉर टू फॉरगिव यू फॉर, सेड द किंग, राजा ने कहा इसमें आपको माफ करने वाली कोई बात ही नहीं है। You do not know me, तुम मुझे नहीं जानते। But I know you, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ, said the beard man, दाढ़ी वाले इंसान ने कहा। I am an enemy of your, मैं तुम्हारा शत्रु हूँ। I had sworn to have revenge on you because you put my brother to death and seized his property, मैं तुमसे बदला लेने के लिए आया था क्योंकि आपने मेरे भाई की हत्या की है और उसकी सारी प्रॉपर्टी को तुमने छीन लिया है। I knew you had come here, मैं जानता था कि तुम यहाँ आए हो। आई हैड मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे, मैं तुम्हें रास्ते में तुझे मारना चाहता था। बट द डे पास, लेकिन दिन गुजर गया। एंड यू डिड नॉट रिटर्न, और तुम वापस नहीं आए। व्हेन आई केम आउट ऑफ माई हाइडिंग प्लेस, यूर बॉडी गार्ड रिकोगनाइज मी एंड वुंडेड मी, जब मैं अपने छुपे स्थान से बाहर निकला तो आपके अंग रक्षकों ने मुझे पहचान लिया और उन्होंने मुझे घायल कर दिया। I escaped from him, मैं उनसे बचकर आया हूँ। But I would have died if you had not dressed my wound, अगर तुम, मैं मर जाता अगर आप मेरे जख्मों के ऊपर पट्टी ना करते। I wish to kill you, मैं, but you have saved my life, मैं तुम्हें मारना चाहता था लेकिन तुमने मेरी जिंदगी को बचाया है। Now if I live, लेकिन अब मैं जिंदा रहता, I will serve you as your most faithful servant, बहुत ही वफादार सेवक बनकर अब मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। प्लीज फॉरगिव मी, कृपया करके मुझे माफ कर दो। द किंग वाज वेरी हैप्पी टू हैव वन एन एनिमी सो इजली एज ए फ्रेंड, अब राजा एक शत्रु को जो अब उसका दोस्त बन चुका था, उसने आसानी से किस तरह से एक शत्रु को अपना दोस्त बना लिया, ये देखकर वो बहुत खुश हो गया था। ही फॉरगिव हिम, उसने उसको माफ कर दिया। एंड सेड दैट, और कहा ही वुड सेंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वे उसको पास उसकी देखभाल के लिए अपना डॉक्टर उसके पास भेजेगा। ही आल्सो प्रॉमिस टू गिव हिम बैक हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जो जायदाद थी, प्रॉपर्टी थी, वो भी उसको वापस करने का उसने वादा किया। लीविंग द वुंडेड मैन, अब उस घायल इंसान को छोड़कर द किंग वेंट आउट टू द हट ऑफ द हट, वो झोंपड़ी में गया। ही लुक्ड अराउंड फॉर द हर्मिट, उसने साधु की तरफ देखा। बिफोर गोइंग बैक, जाने से पहले, ही विश्ड वन मोर टू आस्क द हर्मिट फॉर आंसर टू हिज क्वेश्चन, उसने साधु से फिर अपने क्वेश्चन के आंसर पूछने चाहे। द हर्मिट वॉज सोइंग सीड्स इन द बेड्स दैट हैड बीन डग द
द डे बिफोर। अब जो एक दिन पहले उन्होंने क्यारियां खोदी थी उसमें वो बीज बो रहा था साधु। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड। अब राजा उसके साधु के पास गया और कहा, ओ वाइज हर्मिट, ओ बुद्धिमान साधु, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन। अब लास्ट टाइम मैं आपको प्रार्थना करता हूँ कि मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो। योर क्वेश्चन हैव ऑलरेडी बीन आंसर, सेड द हर्मिट। हर्मिट ने कहा कि तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर पहले ही मिल चुका है। हैव बीन आंसर्स, व्हाट डू यू मीन, सेड द किंग। राजा ने कहा आंसर मिल चुका है, इसका मतलब क्या है। यस लुक हियर, देखो, रिप्लाइड द हर्मिट ने कहा, इफ यू डू नॉट हेल्प मी यस्टरडे, हैड नॉट डग दिस बेड फॉर मी, यू हैव वुड हैव गॉन अवे। अगर कल तुम मेरी सहायता ना करते, मेरे लिए क्यारियां ना खोदते और तुम चले जाते, तुम यू वुड हैव गॉन अवे, तुम चले जाते, देन द दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू, तब वो आदमी ने आपके ऊपर अटैक कर देना था। देन यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड हेयर विद मी, और तब तुमने मेरे साथ यहाँ पर रहने के लिए आशा की। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर हेल्पिंग मी एंड डिगिंग द बेड्स फॉर मी। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम समय उस वक्त था जब तुम मेरी सहायता कर रहे थे और मेरे लिए क्यारियां खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पोर्टेंट मैन एट दैट टाइम, उस वक्त मैं ही आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण आदमी था। टू डू मी गुड वॉज यूर मोस्ट इम्पोर्टेंट बिजनेस, और मेरे लिए अच्छा करना आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। एंड लेटर वेन दैट मैन केम रनिंग टू अस, और जब ये आदमी वो आदमी भागकर आपके पास आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वेन यू आर रनिंग नर्सिंग। अब उससे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम समय वो था जब उसकी आप तुम देखभाल कर रहे थे। इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्स ही वुड हैव डाइड, अगर तुम उसके जख्मों के ऊपर पट्टी ना बांधते तो उसने मर जाना था। यू कुड नॉट हैव वन हिम एज ए फ्रेंड, और तुम उसको एक दोस्त की तरह नहीं जीत सकते थे। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन एट दैट टाइम, उस वक्त उस समय ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आदमी था। वट यू डिड फॉर हिम वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और तुमने उसके लिए क्या किया ये भी उस वक्त बहुत ही महत्वपूर्ण काम था जो उसके लिए तुमने किया। रिमेंबर देन, याद रखो, दिस इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट, उस वक्त सिर्फ वही समय, एक ही समय इम्पॉर्टेंट होता है। दैट टाइम इज नाउ, और वो टाइम है अब। इट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज ओनली नाउ वेन वी हैव एनी पावर टू एक्ट। अब सबसे महत्वपूर्ण टाइम समय, क्योंकि वे है केवल अब जबकि हमें कोई काम करने की पावर होती है, जो किसी भी काम करने को हम तैयार होते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज वन, और सबसे महत्वपूर्ण इंसान वो है विद होम यू आर एट द पर्टिकुलर मोमेंट, और वो उसी खास समय पर किस आदमी के साथ हो वही आदमी आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यू नेवर नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, तुम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। एंड यू डिड नॉट नो वेदर यू विल एवर मीट दैट मैन अगेन और नॉट, तुम नहीं जानते कि तुम उस आदमी को फिर दोबारा कभी मिलोगे भी या नहीं मिलोगे। दस इस तरह से द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड, इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट कार्य है कि तुम उस आदमी के लिए अच्छा करो। एंड फॉर दिस, और इस पर्पस के लिए, इस उद्देश्य के लिए लोन वॉज द मैन सेंट इन टू द वर्ल्ड्स, उस संसार में भगवान ने तुम्हें शायद वही इंसान बनाकर भेजा है कि तुम किसी की सहायता कर पाओ। तो ये है आपका सारा लेसन जो मैंने करवा दिया बेटा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चन आंसर्स, इसकी बैक एक्सरसाइज सारी नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट दें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस बना सकूं। थैंक यू बेटा।